अभी तक आपने हमारे ओम गुरु निमाड़ी संगीत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेवे और साथ ही दबाएं बेल आइकॉन को ऑल सिलेक्ट के साथ, ताकि हमारे आने वाली नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। वाल्मीकि जी सी शिव भाई जाए ना पूछने लगे कि हे गुरुदेव, जरा ये बताओ कि भारत खंड का अंदर कोई सती महानारी है कि नहीं। वाल्मीकि जी कहे कि हे बेटा, तू मन में संख्या क्यों करे? भारत खंड का अंदर हजारों सतवंती नारी ना है। क्यों नहीं? जेन अपना पदर का दाग नहीं लगना दियो, नहीं लगना दियो, अपना सतीत्व का दाग नहीं लगना दियो बेटा। ये सती का सत का ऊपर तो धरती माता बेटा खड़े ले, ये सती के सत पर धरती माता है खड़ी। सती नहीं होती तो धरती माता जाती रसा तड़म पड़ी। सतियों के सत ने ही भगवान के सिंहासन को हिलाया, और सतियों के सत के कारणी भगवान धरती पर आया। सतिया नहीं होती तो ये जगत भी नहीं होता, अरे मैं भी नहीं होता, मीठा राम भाई तू भी नहीं होता। आना जी का सत की मेहमानारी, जी का सत की मेहमानारी। सती नम सती वनुसैया, त्रिमुनि की स्त्री जो चित्रकूट के अंदर रहती थी, और जाना ब्रह्मा विष्णु तिन्हें दिया उनका अपना पति का चरणामृत, एकदम बालक बने दिया और चित्रकूट का अंदर पलना झुले दिया। जीना घर बालक बने बनवारी, तो ब्रह्मा जी का था एक ललना यात्री धरती पर भगवान ने सृष्टि की रचना करी, या ब्रह्मा जी का नेत्र सी के को जन्म हुए आत्री मुनि को। वो नो आत्री ही मुनि जो ऋक्ष पर्वत को पर तपस्या करता था निर्विघ्न नदी का किनारो। जे का तप के महिमा भारी, नित कर्म थो की सवेरे से खड़ो हो, और भगवान पारी ब्रह्म परम पिता परमात्मा का हजारों प्रकार से जय जयकार करनो, और नारायण के हजारों तरह से जय जयकार करने परम पिता का याद करनो। ये रोज को कर्तव्य था होना कि कर दम ऋषि की थी कन्या अनुसैया, कर दम ऋषि की थी कन्या
गर्दम ऋषि की एक कन्या थी जे को नाम कहे तो अनुसैया। अनुसैया जी को विवाह के की साथ हुए अत्रि मुनि का संग बराबर चित्रकूट का अंदर रेणु और सवेरे से खड़ो हुए अनुसैया माता ना अपना पति की नाना प्रकार से सेवान करनु। धन्यवाद यह नित्य को कर्म थो बराबर जीना का तप की महिमा भारी जीना घर बालक बनियारी बनवारिया। और अनुसैया जी को विवाह हुयो अनुसैया जी को नित्य एक कर्म थो सुबह से खड़ा होनो बराबर मंदाकिनी को ऊपर जानो धन्यवाद वहाँ से घल को जल को बेड़ो भरी लाओ अपना पति की सेवा करने के अलावा दूसरो कोई कर्तव्य नहीं थो एक अलावा दूसरो कोई कर्म नहीं थो बराबर आना वो पति वरता नारी जीना घर बालक बनियारी बनवारिया। समय व्यतीत होते गए अनुसैया जी तो मात्र अपना पति सेवा का अलावा कोई मंदिर मस्जिद में नहीं जाना काम करती थी अपना पति की सेवा का अंदर मगन रहती थी। तो आज भी कल कहे गये अनुसैया पति की सेवा कर अनुसैया पति की सेवा कर स्त्री जो भगवान पारी ब्रह्म परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद सी अपना पति की सेवा कर अनुसैया पति की सेवा कर सवेरा से घोड़ो होनो मंदाकिनी का ऊपर जानो बराबर शुद्ध ताजा जल को घोड़ो भरी लाओ ये नित्य को कर्म थो नदी मंदाकिनी नीत उठी जाना नदी मंदाकिनी नीत उठी जाना नदी मंदाकिनी नीत उठी जाना स्वच्छ जल भर के लाना धन्यवाद न पति का चरण पखार अनुसैया पति की सेवा कर जो नारी अपना पति की सेवा कर अंदर मगन हुए वो चारे धाम यात्रा करने की काई जरूरत है घर बैठे होगो भगवान है बराबर फूल मोगरा माला बनावे फूल मोगरा माला बनावे माला बनावे जय
पहनावे जाई माया पने पति पहनावे जाई माया पने पति पहनावे जाई माया पने पति पहनावे। अरे वो नारी पति सेवा से तर आनुष्य पति की सेवा कर कोट का अंदर बराबर फूल मोंगरा का तोड़ लाऊनो फूल मोंगरा की माला बनावे बराबर जाय ना अपना स्वामी का गला मध्य पहनावे वाह नारी ऐसी पति सेवा से तरह पति की सेवा करा। एक दिन वैकुंठ से नारद जी को कहीं आगमन कहाँ हुयो कहाँ हुयो चित्रकोट का अंदर बराबर चित्रकोट का अंदर जब आया हाजी अनुसया माता ने जब नारद जी का दर्शन करया बराबर ये माता तो बड़ी आनंद गदगद हुई गई कि महाराज घर आज साक्षात नारायण पधारया धन्य हो। अरे नारद आया रे मी जवान सती का घर नारद आया मी जवान कोट का अंदर अनुसैया जी का द्वार पर गया बराबर अनुसैया जी तो बड़ी मन गदगद हुई गई वाह भाई वाह आ तो माते सर अनुसैया के मैया मन बड़ी तो हमारी लीला सुनी माँ मन तो यहाँ तक सुने हो कि कोई रोगी दुखी तुम्हारा द्वार पावे धन्य अपना पति देव को चरणामृत दे दियो तो उनको तमाम दुख दर्द नाश हो जाए अरे दुखी न को करो माते सरी कुटिया के अंदर ले गई नारद को नाना प्रकार से स्वागत करियो बराबर और लड्डू को भोग लगायो धन्य हो। नारद लड्डू खाता जान कहता जाए कि माँ वाह भाई वाह हाँ गौरा पार्वती ब्रह्मलोक विष्णु लोक सब दूर फिरे ले पर आसो कथा मैंने लड्डू दिखाए हे सतवंती माता धन्य थारा हाथ का लड्डू खाए ना नारद धन्य गो मैया तुम हो सबसे महान सती का घर नारद पूछा कि हे माते सरी ये तो बताओ आजी। ये सब चमत्कार को कारण का या है आसो तो नहीं वो चारे धाम के कहीं आप यात्रा करता हो आपका पास यत्रो तब कहाँ से आई है सिद्धिन आपका पास कहाँ से आई ते बोलो अनुसैया जी हमारी पति सेवा कोई और टोटल फड़ा है हमारा पति का अलावा दूसरों काम तो कोई करती नहीं नहीं करती हमारा पति की सेवा करो एक अलावा हमारो दूसरों कोई काम नहीं है ते नारद जी कही मैया आप जरा ज्ञान की बात बोलो ते अनुसैया जी सारा संसार कल्याण कही गयी कि मारा घर को घर वालो मारो श्री भगवान नहीं जाऊ मैं चारे धाम yeah।
कोट से एकदम कहाँ पहुँचा? कहाँ पहुँचा? ब्रह्मलोक का अंदर। बराबर। जहाँ की माता गौरा पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती कन्या तीनों देवी ने बैठेल थी। वाह भाई वाह। नारद गया वैकुंठ का माई धन्य तीनों देवी ने का एकदम जाई न दियो बताई। वाह वाह। हे मैया हाँ जी आपना सतवन 3000 नारी ने सुनी होगा। बराबर। सती अनुसैया का समान भारत खंड का अंदर कोई नारी नहीं है। नहीं है। ते तीने देवी ने कहे हमारा सिर भारी है काई। बाजी। ते नारद बोला कि हे माते सरी आप तो सिर्फ सती है। वो तो सती न की सती महासती अनुसैया है। धन्य है। ये तो हाथ का लड्डू खाए ना आज हूँ धन्य हुई गो। माते सरी न काई कहे काई कहे नारद का वचन सुनया बाजी एकदम तीने देवी ने क्रोध आया। तीनों देवताओं को जाके तपस्या में से जगाया। धन्य है। तीनों देवी ने क्रोध आयो बाजी तीनों देवी ने कहा चित्रकूट माँ से कहाँ की नारी आई गई। वाह भाई वाह। जो कि हमारा सीबी सतवंती नारद बते रोज बाजी एकदम कहाँ चली ना बाजा एकदम भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश तीन तपस्या हम बढ़ेल था। तीन जोड़ गई पास मन काई कहे काई कहे स्वामी जी मानो हमारी एक बात अनुसैया का सतक हरी लाओ रे स्वामी जी मानो हमारी एक बात कहीं नहीं मांगियो। वाह भाई वाह। तीनों देवी ने हाथ जोड़ी कहे हाजी कि जरा चित्रकूट का अंदर चली जाओ और अनुसैया का सत का स्वामी तुम्हारी लाओ। धन्य स्वामी जी मानो हमारी एक बात अनुसैया का सत कारी लाओ। भगवान तीनों देवता ने कहो कि हे देवी नोन हाजी जब कोई को अच्छो काम नहीं करी सकता तो भूलो भला क्यों करनू। वाह भाई वाह। देवी ने कहनी बात समझ में नहीं आई। धन्य देवी ने कहे कि हे स्वामी जी वाह वाह आज तक कहीं नहीं मांगे हो। वाह एकज बात आज तीनों देवी ने हम मांगी रही ना। बराबर। जा चित्रकूट का अंदर और अनुसैया का सत का कसी कीमत पहरी लाओ। वाह जी वाह। भगवान ने को ठीक है तू नहीं मानती तो हम जाने के लिए तैयार है। तैयार जी कि जाचन आया भगवान सती को सत जाचन आया भगवान भगवान त्रिलोकी नाथ ने एकदम वहाँ से रवाना हुआ। धन्य जाचन आया भगवान सती को सत जाचन आया भगवान। तीन देवता मन में विचार करा कि करा तो काई करा। ब्रह्मा विष्णु और महादेवा आपस में विचार करें काई कहे एक दिवस वैकुंठ कमाई रे रामा देवी न करे विचार। अरे
एकदम रवाना हुआ चित्रकूट के अंदर देवी ने मन में कर गए अभी का सत कहरिन ले आओ और ना दूजी कोई नार सती को सत जा चढ़ाया भगवान। भगवान एकदम कहाँ आया चित्रकूट के अंदर चित्रकूट से करीब 1 किलोमीटर दूर है। भगवान ने अपना रूप बदली लिया कि कलयुग का मन क्या देखी लेगा तो बेटा अपना पाद धोई लेगा। भगवान तीने देवता ने साधु को रूप लियो किस प्रकार बनायो अरे साधु को रूप बनायो देव ना साधु को रूप बनायो अपना जटा जुट बांध्या नाम पिरा तोंगला भस्मी न रमई आना साधु को रूप बनायो तो दंड कमंडल लिया रे हाथ महादेव ना संत का रूप ले लिया हाथ में ले लिया कमंडल दंड कमंडल लिया जिन हाथ में और एकदम अलग जगावता कहाँ गया अत्री मुनि की कुटिया के अंदर अनुसैया जी अंदर था अलग जगायो माता अनुसैया का आंगन में माते शरीर तिरे संतन का अपना द्वार पर देखा अनुसैया जी बड़ी खुश हो गई कि आज मारो सवा हाथ को किस्मत कि मारा द्वार पर संत महामुनि आया अरे माता को जीवो हर सायो देवन साधु को रूप बना। अब ये संत शिरोमणि को देखी न कहे कि भगवान आज आप मारा द्वार पधार्या हाँ तो धन्य हो गए ते बोला काई बोला अनुसैया का द्वार पो गया नसीरी भगवान 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 ये कसती कसत की करना